हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का 100 VVI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में उत्तर, उसका पार्ट टू होगा। इससे पहले आपको एक पार्ट वन दे चुके हैं, उसमें आपको 10 क्वेश्चन बताए थे। जो भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको 100 VVI क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको 10-12 क्वेश्चन पक्का पूछेंगे, इतना गारंटी है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, इसका PDF भी मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको देखिए सिर्फ बायोलॉजी के नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी सभी का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इससे पहले 10 क्वेश्चन दे चुके हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, टैफी बीमारी यानी कि टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि, उपचार के बारे में लिखिए। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से रोग फैलता है, मतलब रोग किससे होता है, किससे मतलब उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि रोग आपको टाइफाइड हो गया है, संक्रमण की विधि यानी कि किस प्रकार से रोग फैलता है, और उपचार यानी कि इसको किस प्रकार से यानी कि इलाज किया जा सकता है, यह बताना है। यह 2013-2020 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए टाइफाइड एक संक्रमक रोग है, आपको पता है टाइफाइड एक संक्रमक रोग है जो सल्मोनेला, क्या सल्मोनेला, फिर समझिएगा सल्मोनेला नेला नामक क्या होता है, जो टाइफी नामक जीवाणु होता है उससे यह बीमारी फैलता है, उसी से बीमारी होता है। बेसिकली जो सल्मोनेला है वह फैलाता नहीं है, जो सल्मोनेला है वह फैलाता नहीं है। कौन फैलाता है, तो एक हमारे जो घर में मक्खी होता है वही फैलाता है, क्योंकि जो सल्मोनेला है, जो सल्मोनेला जो नामक टाइफी नामक जो जीवाणु है उसके मलमूत्र में यह क्या होता है, रोग पाया जाता है। जब उसके मलमूत्र को जब हमारे जो घरेलू मक्खी है उस पर बैठ कर उसके क्या होगा, आपके खाना दूषित कर देगा, पेयजल को दूषित कर देगा, तो बीमारी फैलता है। जैसे देखिए टाइफाइड एक संक्रमण रोग है, आपको बता दीजिए यह सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से कारण होता है। लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसमें होता है आपको सिर दर्द होने लगेगा, यानी कि आपको सिर दर्द, अमाशय में दर्द होने लगेगा, तो आपको पता चलेगा कि हमको टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड हो गया है, समझ गए। अगर इसका देखिए संक्रमण की विधि क्या है, देखिए सल्मोनेला, सल्मोनेला क्या है, टाइफी नामक जो जीवाणु है वो क्या है, मलमूत्र यानी कि उसके जीवाणु के मलमूत्र में पाया जाता है। जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु उसके मलमूत्र में पाया जाता है, जो घरेलू मक्खी यानी कि घरेलू मक्खी रोगी के भोज्य पदार्थ, भोज्य यानी कि पेयजल पदार्थ पर बैठकर, यानी कि भोज्य पदार्थ पेयजल पदार्थ पर बैठकर उसे दूषित कर देता है। देखिए अभी बताया आपको जो सल्मोनेला टाइफी नामक जो बीमारी जो जीवाणु है वह बेसिकली नहीं फैलाता, लेकिन उसके मलमूत्र में यह बीमारी फैल बीमारी होता है। तो कौन फैलाता है, घरेलू मक्खी जब उसके मलमूत्र बैठेगा तो कुछ ना कुछ वह उसके अपने पैरों में कुछ ना कुछ उसमें अंश रह जाएगा, आपके भोजन पर आकर बैठेगा तो उसका भी अंश इसमें आ जाएगा, आप उसको खाइएगा या पानी पीजिएगा, कोई भी पेयजल होना चाहिए उस पर बैठेगा तो दूषित कर देगा, जिससे आपका यह दूषित हो जाता है और यह बीमारी फैलता है, ठीक ना। देखिए उपचार, यहाँ पर उपचार होना चाहिए, उपचार के बारे में बताएं। देखिए उपचार के बारे में क्या हो सकता है, देखिए इसको उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका उपचार हम इस प्रकार से कर सकते हैं, प्रतिजैविक का यानी कि इसका नियंत्रण कर सकते हैं, प्रतिजैविक के द्वारा इसको किया जा सकता है, नियंत्रित प्रतिजैविक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, रोगी को तरल भोज्य पदार्थ देना चाहिए, यानी कि रोगी जो भी अगर इससे संक्रमित है उसको तरल भोज्य पदार्थ यानी कि तरल खाना खिलाना चाहिए। यह इस रोग का पूरा बायोडाटा था, तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 नंबर क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यह 2017 के एग्जाम और 2017 सप्लामेंटल एग्जाम में भी पूछा गया, यानी कि दो दो बार 17 में पूछा गया, जैसे कोई फेल हो जाता सप्लामेंट्री होता उस एग्जाम में भी पूछा गया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है, टेस्ट ट्यूब बेबी एक पात्र निषेचन का उदाहरण है जिसमें अंडों का निषेचन, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर से बाहर होता है, यह बात समझिएगा, जिसमें यह देखिए पात्रों का एक निषेचन का एक उदाहरण है, लेकिन इसमें जो अंडा का जो निषेचन होता है वो बेसिकली शरीर के बाहर होता है, क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना, शरीर के बाहर होता है। फिर यहाँ पे होता है जाइगोट, यानी कि फिर जाइगोट को 8, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक, फिर समझिए इस फिर इसमें क्या, जाइगोट को 8 भ्रूण कोश यानी कि कोशी 8 कोशिकीय भ्रूण यानी कि कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में, यानी कि माता जो होता है जिससे मतलब आप समझिए रहे माता क्या होता है, तो माता के शरीर में
फलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है, फलोपियन नलिका होता है उसमें कराया फलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है जहां भ्रूण का आगे का विकास होता है। फिर से समझने का प्रयास किया है, ट्यूब जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वह एक पात्र निषेचन का उदाहरण है जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। अंडों का जो निषेचन होता है बेसिकली शरीर के बाहर होता है। फिर यहाँ पे होता है जायगोट को आठ कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फलोपियन ट्यूब द्वारा यानी कि नलिका द्वारा कह सकते हैं ट्यूब में प्रवेश किया जाता है जहाँ भ्रूण के आगे का विकास होता है, विकास हो पाता है या विकास होता है। यह क्वेश्चन 2017 के सी में क्वेश्चन पूछा गया, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत से टाइपिंग की आपको PDF फ्री मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, नंबर क्वेश्चन है एड्स के दो लक्षणों को यानी कि विवेचना करिए, आप एड्स के दो लक्षण को लिखिए। 2010 और 2012 में BSEB में क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है। देखिए आपको 13 नंबर क्वेश्चन क्या है यानी एड्स के दो लक्षण क्या है, तो देखिए आपको जब आपको ऐसे पता चलेगा कि इसको एड्स हो गया है। देखिए आप एड्स मतलब एक प्रकार का फेफड़ा का रोग है, जो एड्स होता है वो बेसिकली एक प्रकार का फेफड़ा का रोग है और आपको त्वचा कैंसर होता है इससे। जब एड्स होगा तो उसको त्वचा कैंसर हो सकता है या एक फेफड़ा का रोग है, एड्स यही होता है। इसका दो विवेचना दो लक्षण यही है कि एक प्रकार का एक फेफड़ा का रोग है और त्वचा का कैंसर हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, यह एड्स का दो लक्षण है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडे जनन से आप क्या समझते हैं। देखिए अंडे जनन होता क्या है, अंडाशय के डिम्ब कोशिका का अगुणित, फिर समझिए अंडाशय के डिम्ब कोशिका का अगुणित अंडे कोशिका में परिवर्तन को यहाँ पे समझिएगा। देखिए थोड़ा सा के लाइन है लेकिन आपको दो मार्क्स उठा सकता है, याद रखिएगा। देखिए आप ये अंडाशय के डिम्ब कोशिका का अगुणित, डिम्ब कोशिका क्या क्या अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन, क्या अंड कोशिका में परिवर्तन को ही अंडे जनन कहते हैं, क्या कहते हैं अंडे जनन कहते हैं। यह 2016 में क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़िए समझ के पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अंतः प्रजनन क्या है वह है, तो अंतः प्रजनन यानी कि अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है। यहाँ पे समझिए आराम से, जो अनुवांशिकी रूप से जब समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है, जब भी जीव के बीच प्रजनन होता है समान जीवों के बीच, तो क्या होता है तो अंतः प्रजनन कहते हैं। फिर समझिए जो अनुवांशिकी रूप में समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। अंतः प्रजनन के कारणों आबादी में अच्छे जीवन की बढ़ोतरी होती है, यानी कि उन्नति होती है। तो यहाँ पर वही कह रहा है अंतः प्रजनन के कारण ही आबादी में अच्छे जीवन की बढ़ोतरी होती है, तो उसे को अंतः प्रजनन बोला जाता है। यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2020 और 2018 के सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है क्वेश्चन, देखिए यह ध्यान रखिएगा जरूर, आपके जैसे अगर सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे देखिए आप 2018 के सप्लीमेंट्री में पूछा लेकिन 2020 के मेन बोर्ड में पूछ दिया कि नहीं, वही होता है। जो क्वेश्चन देखिए आपको अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िएगा, हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए हो जाएगा क्या, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव लिंग निर्धारण कर, यानी कि मानव लिंग निर्धारित कैसे होता है या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है, मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। देखिए बेसिकली देखिए मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है जिसमें से 22 जोड़ा क्या होता है नर के पास यानी कि आप समझ, और एक जोड़ा वह मादा के पास होता है। और देखिए नर में एक्स और वाई दोनों होता है लेकिन मादा में क्या होता है सिर्फ एक्स होता है। और यह ध्यान रखिएगा जब भी नर होता है उसी के कारण जो लिंग का निर्धारण होता है वह लिंग निर्धारण करेगा, वह यानी कि स्त्री होगा कि पुरुष, मादा कोई निर्धारण नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्स एक जोड़ा होता है उसके पास क्रोमोसोम मादा के पास। यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ है, मादा लिंग का निर्धारण एक्स वाई प्रकार से होता है। अभी होता है आपको जो मादा जो लिंग होता है वह एक्स वाई प्रकार से होता है, कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है टोटल होता है, जिसमें से 22 जोड़ा नर के पास होता है, यानी कि 22 जोड़ा नर और एक जोड़ा मादा में होता है। अभी बताएं यानी कि 22 जोड़ा नर में और एक जोड़ा मादा में होता है।
नर में एक्स के अतिरिक्त, अभी बताया है नर में एक्स के अतिरिक्त क्या होता है, एक क्रोमोसोम वाई होता है, यानी कि नर में एक्स और वाई दोनों होता है, यानी कि एक्स के अतिरिक्त एक जो होता है क्रोमोसोम वाई होता है, वाई ही नर का निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक ना। जो नर लक्षण का निर्धारण करता है, जो नर लक्षण का निर्धारण करता है, एक्स एक्स मिला तो आपको कुछ एक्स एक्स मिला तो मतलब लड़की होगी, वाई मिला तो लड़का होगा, मतलब यही होता है, वाई ही निर्धारण करता है कि क्या होगा, लड़का या लड़की, ठीक ना। तो यह कौन करता है, नर करता है, नर, क्योंकि नर में ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे नर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मादा में क्या होता है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के एक जुड़ा होता है। अभी बताया, फिर समझिएगा, एकदा मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार से होता है, कुल 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है जिसमें से 22 जोड़ा नर और एक जोड़ा मादा के पास होता है, मादा में होता है। नर में एक्स के अतिरिक्त एक वाई जो क्रोमोसोम एक वाई होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है, और मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है, यही होता है मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस प्रकार से होता है, आप समझिए गए होंगे। ये 2020-2018 के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दे, जो जीवों में अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में हमको संक्षिप्त टिप्पणी देना है, यानी कि इसका परिभाषा देना है किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होता है, ये भी क्वेश्चन 2015 और 2017 के सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जीवों में प्रजनन की वह विधि है, जो जीव होता है उसमें प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का निर्माण यानी कि जन्म होता है। बात यह है कि यहाँ पे जनक के शरीर से एक नए व्यक्ति का जन्म होता है, वही बात कर रहा है, जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है। जनक मतलब जो जन्म देने वाला उसको ही जनक बोला जाता है, तो एक व्यक्ति का जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या अलैंगिक जनन कहता है, इसमें जनक कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है, यानी कि इसमें जनन कोशिका का निर्माण और संलयन नहीं होता है, उसको क्या अलैंगिक जनन कहते हैं। एक दा हम पढ़ देते हैं फिर से, जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है, उसको अलैंगिक जनन बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा और आगे कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, जनक कोशिकाओं यानी कि जनन कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। यह 2015 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनोकार्तिक फलों को लिखे, जो मनोकार्तिक फल होता है वह बेसिकली क्या होता है, वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है। एक समझिएगा यहाँ से आराम से, देखिए वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है, क्या होता है, एक कार्पिल से होता है, मोनोकार्तिक फल कहलाता है। यह 2013 में एग्जाम में पूछा गया है BSEB में। देखिए ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा जो आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो क्वेश्चन हम देंगे आपको 100 क्वेश्चन आए इतना गारंटी है, 10 क्वेश्चन आएगा ही। आप याद कीजिए, इसका PDF आप लीजिए, फ्री में मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास, 18 का हो जाएगा, वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है मोनोकार्तिक फल कहलाता है, यह 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए भले छोटा परिभाषा है लेकिन सटीक परिभाषा है, गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है। देखिए कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो किस प्रकार बनता है, देखिए इसमें क्या होता है, अन्न उत्सर्जन के पश्चात ग्रैनुलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंकुकार कोशिका का बड़ा पीला पिंड बनाता है। यहाँ पर समझ लीजिए, आप बोलिए शंकुकार, आप जोकर का टोपी देखें इस प्रकार तो शंकुकार होता है, या कभी कभी आप रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ पर देखिएगा रेड एक शंकुकार जो रेड रहता है वहाँ पर लगा दिया जाता है, वह शंकुकार बेसिकली होता है। तो ये कह रहा है कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है, तो ये होता है अन्न उत्सर्जन के पश्चात ग्रैनुलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंकुकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाता है, क्या पीला पिंड बनाती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, यानी कि अंड उत्सर्जन के पश्चात होना चाहिए और ग्रैनुलोसा कोशिका तथा दोनों मिलकर क्या करेगा, एक शंकुकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाएगा जिसे ही क्या कहते हैं, वह बेसिकली शंकुकार होता है, उसके कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह बहुत सिंपल है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जलोद्भित, मरुद्भित और समूहभित,
फिर समझिए यहाँ पे जलोद्भित, मरुद्भित और समुद्रभित के बारे में लिखे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2015-2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। या पूछ सकता है जलीय पौधे तथा मरुद्भित पौधे के सौदारण दे, यानी कि सौदारण परिभाषा दे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलीय पौधे के मरुद्भित पौधे की सौदारण मतलब उदाहरण देते हुए क्या करना है, उसको परिभाषा देना है। तो हम चलिए यहाँ पे जलोद्भित, इसमें तो सिर्फ कहा है मरुद्भित के देना है और जलीय यानी कि जलोद्भित और मरुद्भित के बारे में बताना है दुइये गो, लेकिन यहाँ पे तीन गो तो या कोई बात नहीं, आपको एक ज़्यादा याद रहेगा तो फायदा ही है ना। ये 2015-2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जलोद्भित होता क्या है, जलोद आपको कहने से ही समझ में आ रहा, जल जलोद यानी कि पहले ही आ गया जल, यानी कि वैसे मतलब मिट्टी में यानी कि उत्सर्ज वैसे पादप जिसका वृद्धि कहाँ होता है, जल में होता है, जल या नमी में, जहाँ पे नमी होना चाहिए जल होना चाहिए वही कह रहा है। वे पादप जो केवल, यहाँ पर समझिए, वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं। अभी बताए हैं जलोद मतलब यहाँ यानी कि जल की बात हो रहा है, जलोद यानी कि जल की बात हो रही है ना, यानी कि जल तो जल होना चाहिए, नमी होना चाहिए, वही वैसे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोद्भित कहलाते हैं। क्या? जलोद्भित कहलाते हैं, समझ गए। जैसे कि कमल, जलकुंभी, जल कमल जो है, कमल और जलकुंभी वो बेसिकली जल में ही होता है, आप सूखे में आप इसको उगा ना सकते, ठीक ना। या फिर मरुद्भित क्या है, तो मरुद्भित क्या है, वे पादप जो केवल अतः मरुद्भित यानी कि मरुद यानी कि मरुस्थल, देखिए मरुस्थल क्या होता है, वहाँ पर धूप ही धूप रहता है, वहाँ पानी के कोई इथी नहीं, तो वही कहता है मरुद्भित क्या होता है, वे पादप जो केवल अत्यधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं, यानी उसमें पूरा ताप होना चाहिए, पूरा टेम्परेचर होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, तब वृद्धि करेगा, हम मरुद्भित कहलाते हैं। जैसे नागमणि, सॉरी नागफनी होता है, नागफनी एक पौधा होता है, वह होता है बेसिकली खूब गर्मी और क्या होता है, धूप में ही होता है, ठीक ना। अब समुद्रभित क्या है, देखिए समुद्रभित क्या है, ये इसके लिए कोई आपको ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह समुद्रभित नहीं होगा। तो क्या होता है, वे स्थलीय यानी कि वह स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के अनुकूल है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, मतलब समझिए न तो इसके लिए सूखा चाहिए और न इसके विशेष नम चाहिए यानी कि पानी चाहिए के लिए अनुकूल होता है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होता है, मतलब साधारण जल की आवश्यकता, थोड़ा मोटा जल की आवश्यकता होता है, उसको क्या बोलते हैं, समुद्रभित बोलते हैं, समुद्रभित कहलाता है। यह 2015-2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए आपको वीडियो कैसा लगा जो बताइए, क्योंकि आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको ऐसा ही करके आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका PDF टेलीग्राम मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर ज्वाइन होइएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।